अपने चाक पट्टी को तिरछी लाइनिंग कैसे निकालें। ये पैंट का हमारा कपड़ा है तो इसमें से हम चाक पट्टी जो है, देखिए खड़ी पट्टी है तो इसे हम तिरछी, इसकी डिज़ाइन हम तिरछी तरीके से निकालेंगे, मतलब इसकी लाइनिंग जो है तिरछी होगी। तो एक मैंने कटिंग कर लिया था, दूसरी आपके सामने कर रही हूँ। तो ये उतना ही है जितना कुर्ती का चाक हमारी है और चौड़ा 2.5 इंच है। देखिए इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। तो पहले हमें कुर्ती का चाक मोड़ लेना है, उसको चाक दोनों साइडों में चाक बना लेंगे। उसके बाद तब इसको चाक से मैंने एक्स्ट्रा लिया है, थोड़ा थोड़ा सा 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से बीच में से ऐसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे और फिर इस पर सिलाई इस तरीके से चला देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो पहले हम प्रेस से बैठा लेंगे, 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा या 1 इंच के लगभग कर देंगे हम इसे। तो इस तरीके से बैठा लिया है। अब देखिए लगाने का तरीका, तो बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे पहले इस, और उसका निशान लगाकर उल्टे साइड में और फिर सीधे साइड में इसको पलट लेंगे। पलट कर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो मशीन पे चलते हैं। ये देखिए थोड़ा बराबर कर लेंगे नीचे से और फिर यहाँ पर से बीचे बीच से निशान लगा देंगे, उल्टी साइड में निशान लगा रहे हैं तो यहाँ पर निशान लगा देंगे। उल्टी साइड में ही रखेंगे कुर्ती का, हमारे बीचों बीच में हम सिलाई पे जोड़ पे रखेंगे जहाँ पे हमारा फिटिंग का निशान है, मतलब निशान नहीं सिलाई है, वहीं पर ये बीचे बीच से रख कर इस तरीके से 2-3 बार पक्का कर लें। अब देखिए इसको मोड़ दिया। अब मोड़ कर एकदम सटाकर जड़ में एकदम इस जहाँ पे सिलाई लगाई है, जहाँ पे पक्का मैंने किया वही सिलाई पर यहाँ पर फिर से इसकी सिलाई करेंगे मोड़ कर, जो तिरछा तिरछी खुरमी बन रहा है। तो उसके बाद फिर हम जाएंगे चाक पर सिलाई करेंगे और किनारे किनारे ही सिलाई करेंगे। आपको दिख रहा है इस तरीके से, देखिए दिख रहा है ना आपको इस तरीके से। एकदम किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए हमारा तिरछा आ रहा है, सीधा कपड़ा था, इसके पैंट का कपड़ा सीधा ही होता है, इसको तिरछा इस तरीके से निकाल दिए। बट आपने प्रेस किया उरे भी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि उरे भी ये डिज़ाइन से मतलब है, उरे भी से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से अगर प्रेस नहीं बैठाएंगे तो फिर आपको खींचेगा उरे भी जैसा आड़ा तिरछा कपड़ा हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। इस तरीके से पूरा देखिए इस तरीके से लाइन बिठा लेना है पूरे तरीके से। फिर इसको यहीं से मैं यहाँ पर सिलाई करके इसको दूसरी साइड, मतलब आप चाहें तो इसे अंदर कर लें, काट लें, अंदर कर लें ज़्यादा अच्छा। अगर आपका फोल्ड हुआ हुआ है तो आप इसे अंदर कर लें, नहीं तो कटिंग भी कर सकते हैं। तो मैं अभी अंदर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे भी लगाना है दामन में। देखिए हो गया हमारा तिरछे तिरछे डिज़ाइन। अभी ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर मतलब फिटिंग के तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से डिज़ाइन हो गया। आपको ज़्यादा मतलब
दिमाग नहीं लगाना पड़ा इस तरीके से उस तरीके से ऐसे करो तिरछा करो, नहीं ये हो रहा है, डिज़ाइन नहीं बन रहा है, खसक रहा है, ये सब कुछ नहीं, इतने आसानी से बन गया। देख रहे हैं कितना आसान आप लोग के लिए ऐसे ऐसे वीडियो बना के ला रहे हैं आप लोग, क्या कहें। फिर दूसरी साइड में भी इसी तरीके से एकदम सटा कर, सट के एकदम कि गैपिंग नहीं बचे ध्यान रखना है, और इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और अच्छा लगे तो ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और शेयर करें। अच्छा लगा दूसरे को भी अपना बताएं कि दूसरे भी अच्छे से वो भी बनाएं, और जो कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें। और ये हमारा बन गया, आप भी जाएँ ऐसे ही कुर्ती बनाएं, आप भी इस तरीके का डिज़ाइन बनाएं और प्रेस करें और पहन लें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे आगे भी।